हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फोर मेजर सेक्ट्स के चार चार डिसाइपल यानी कि टोटल 16 डिसाइपल उस वुयांग पैवेलियन के ओपन होते ही उसमें एंट्री लेते हैं। और अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे उनका स्वागत एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अब यहाँ ये बूढ़ा जो होता है वो एक नंबर का ठरक होता है जो वहाँ पे आई हुई लड़कियों पे फिदा हो जाता है। अब आगे वो ओल्ड मैन जो होता है वो एक बड़े से पत्थर को उनके सामने पेश करता है जो कि एक खास तरह का मॉन्यूमेंट है जिसके ऊपर टच करते ही सभी डिसाइपल के फ्यूचर को वो प्रिडिक्ट करेगा, यानी कि वो भविष्य में कल्टीवेशन के किस लेवल तक जाएंगे इसकी भविष्यवाणी करेगा। और सिर्फ टॉप 10 की ही जो हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल के डिसाइपल्स होंगे सिर्फ वही इस पैवेलियन के सेकंड फ्लोर पे एंट्री ले पाएंगे, यानी कि बाकी के 6 को वहीं से लौट जाना होगा। अब आगे वो बूढ़ा उन्हें ये भी कहता है कि उनके लेवल्स के अनुसार उन सभी को रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन जो फीमेल्स डिसाइपल है उनके लिए वो डर की बूढ़ा एक खास तरह का डबल रिवॉर्ड देगा अगर वो फीमेल डिसाइपल्स उसे किस करने देंगी। तो ये सुन के लड़के भड़क जाते हैं और उस बुढ़े से कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का असेसमेंट है, यहाँ तो फेयर गेम होना चाहिए और इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। इस पे वो बूढ़ा उसे कहता है कि तुम सबको यहाँ किसने कह दिया कि ये असेसमेंट फेयर होने वाला है। अब ये जो असेसमेंट है कोई किसी के साथ भी अनफेयर कर सकता है, तुम्हें ये एक्सेप्ट है तो इसमें भाग लो वरना यहीं से लौट सकते हो। आगे वो बूढ़ा ये भी चिढ़ाते हुए उन्हें कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरी इस धांधली को जरा रोक के दिखाओ। अब उस बुढ़े की इस हरकत को पैवेलियन के बाहर सारे एल्डर्स देख रहे होते हैं और वहाँ पे जो 7 वुमेन सेट के एल्डर होती हैं वो उस बुढ़े के लिए कहने लगती हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि दुनिया में इस तरह के भी शर्मनाक बंदे होते हैं। इस पे पालकी के अंदर वाली कैरेक्टर वो लेडी उनसे कहने लगती है कि ये वुयांग पैवेलियन का फर्स्ट लेवल का असेसमेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने जितना रूमर सुना था ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आगे सभी डिल्डर यहाँ आपस में यही चर्चा कर रहे होते हैं कि इस वुयांग पैवेलियन के डिस्क्रिप्शन से हिसाब से हर 3 साल में यहाँ पे अलग अलग डिसाइपल्स एंट्री लेते हैं और उन्हें ये जानने की अब उत्सुकता जाग चुकी थी कि आखिर इस साल कौन से सेक्ट का डिसाइपल आखिर तक सरवाइव कर पाएगा। जिस पे फेंजी यानमेन सेक्ट का जो एल्डर फांगा होता है वो हंसते हुए कहता है कि ऑब्वियसली मेरे सेक्ट का ही जो हुआंग है वही इन सभी डिसाइपल से सबसे ज्यादा बेहतर है, इस पैवेलियन का सीक्रेट तो सिर्फ वही हासिल करेगा। जिस पे दूसरे सेट का एल्डर उसे कहता है कि अभी असेसमेंट तो शुरू भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हो, उस हुयांग में इतनी भी काबिलियत नहीं है कि वो इस साल के टॉप स्पॉट को अचीव कर पाएगा, इसीलिए ख्याली बुला कि तुम ही लोग फर्स्ट रैंक पे आने वाले हो इसको छोड़ दो क्योंकि हमारा लुयान मेन सेक्ट ही टॉप की रैंकिंग लाएगा। जिस पे वुमेन सेक्ट की एल्डर उसे कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो मोटा हाव है वो एक जीनियस डिसाइपल है, लेकिन तुम हमारी लड़कियों को लगता है कुछ कम आंक रहे हो, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं इसलिए उन्हें कम आंकने की गलती मत करना। अब ये चारों सेट के एल्डर जो होते हैं अपने अपने डिसाइपल की गुणगान करते हुए एक अलग ही भसड़ में लगे होते हैं जिसे 2 मॉडल बंदे छुप के सुन रहे होते हैं और उनका यही मानना होता है कि इन्हें बहस करना है तो करने दो क्योंकि इन 4 मेजर सेक्ट की रैंकिंग जल्द ही बदलने वाली है और उस पैवेलियन के ट्रेजर्स को पाने के लिए जो डिसाइपल टॉप पे आएगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा डिसाइपल अंतिम तक उस पैवेलियन में सरवाइव कर पाएगा। अब इधर वापस से हमें वुयांग पैवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे असेसमेंट को शुरू किया जाता है जहाँ पे सबसे पहले एक लड़की आके उस मॉन्यूमेंट को टच करती है जो कि मादर अपने वोंग डोंग रियल में होती है। ये देख के वो ठरकी बुढ़ा फिर से उसे यही ऑफर देता है कि अभी भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम मुझे किस करने देती हो तो मैं तुम्हें डबल रिवॉर्ड दे सकता हूँ। अब ये सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इस पे बुढ़ा उसे कहने लगता है कि इस तरह के मौके बहुत कम मिलते हैं, ये देखो ये लड़के भी ये डबल रिवॉर्ड पाना चाहते हैं लेकिन मैं ये ऑफर सिर्फ लड़कियों को ही दे रहा हूँ। आगे हुआंग जैसे ही उस मॉन्यूमेंट को टच करता है वो मॉन्यूमेंट उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। अब उस मॉन्यूमेंट में रेड लाइट अपीयर होती है जिस पे बुढ़ा कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल वो जोंग जिंग के रेल में पहुंच गई है जिसका मतलब है कि तुम फ्यूचर में बहुत आगे तक जाओगे। आगे पैवेलियन के बाहर हुयांग का जो एल्डर फांगा होता है उसकी छाती तो फूल के चौड़ी हो जाती है, अपने डिसाइपल की इस काबिलियत को देख करके वो सबके सामने टींगे हांकने लगता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे डिसाइपल हुयांग से बेटर वहाँ पे कोई नहीं है। आगे वो यहाँ किनान के एल्डर से कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ज़ोलिंग सेक्ट में इसके बराबर कभी कोई जीनियस होगा। अब आगे किनान जो होता है वो उस मॉन्यूमेंट के रेड लाइट इमिट होते ही अपने गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिचुअल आई का यूज करता है और जो दृश्य उसे मॉन्यूमेंट के अंदर दिखाई देता है वो देख करके दंग रह जाता है। उस मॉन्यूमेंट को चारों तरफ से जंजीरें जकड़ी हुई थी और आसपास उसे कई सारे कंकाल नजर आते हैं
अब उस मॉन्यूमेंट के आसपास उसे ये इविल ऑरा क्यों नजर आ रही होती है ये हमें थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अब आगे लुआन मिंग सेट का वो जो डिसाइपल मोटा बंदा हाउ होता है वो उस मॉन्यूमेंट को टच करने जाता है। उसके टच करते ही वो जो मॉन्यूमेंट होती है वो येलो लाइट इमिट करती है जिसे देख करके सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि ये हुआंग से भी बिटर लेवल था जो कि एक इम्पीरियल लाइट होती है। इसका मतलब है कि वो मोटा बंदा हाउ फ्यूचर में मार्शल एम्परर रियल्म तक जाएगा। अब आगे पेविलियन के बाहर जो उस हाउ का एल्डर होता है वो यहाँ एल्डर फांगा से कहने लगता है कि लगता है कि मेरे इस डिसाइपल ने हुआंग की सारी लाइम लाइट ही छीन ली क्योंकि उसने उस हुआंग से बिटर इम्पीरियल लाइट इमिट की है। अब आगे हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हम उस मोटे बंदे हाउ को देखते हैं जो कि अपनी नई नई गर्लफ्रेंड रॉलविन के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने देख लिया तुम्हारा बंदा कितना स्ट्रांग है और तुम्हारे लिए तो ये ऑनर की बात है कि तुम मेरे जैसे बंदे की गर्लफ्रेंड हो। अब आगे सिर्फ ज़ॉलिंग सेक्ट के ही 4 डिसाइपल बाकी होते हैं जिन पे झिड़कते हुए वो बुढ़ा उनसे कहता है कि मुझे नींद आ रही है मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम चारों को यहाँ टेस्ट देना है या इसके बगैर ही यहाँ से बाहर जाना है। जिस पे रॉलिंग उनसे कहने लगती है कि इन सेक्ट वालों के पास तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाए और इस मॉन्यूमेंट से पहले ही मैं इस बात की भविष्यवाणी कर देती हूँ कि ये फर्स्ट प्लेस तो मैं ही जीतूंगी। इस पे वो हॉ भी यहाँ रॉलिंग का साथ देते हुए कहता है कि इस ज़ॉलिंग सेक्ट के बंदों की क्वालिफिकेशन तो बस इतनी है कि ये मार्शल इम्पीरियल लेवल तक भी पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि यहाँ पे सबसे लोवेस्ट लेवल है। अब आगे इस बात का किनान तो यहाँ जवाब नहीं देता वो सीधा जाकर के उस मॉन्यूमेंट को टच करता है लेकिन उस मॉन्यूमेंट पे कुछ भी हरकत नहीं होती जिसपे सभी लोग हंसने लगते हैं ये कहते हुए कि ये तो मार्शल इम्परर रिल्म तक भी नहीं पहुँच पाया। कि तभी गुस्से से जैसे ही यहाँ किनान अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्यूमेंट को टच करता है वो उसके अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे एक ईवल एंटिटी उसका इंतजार कर रही होती है और उससे ये कहती है कि काफी देर हो गई तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। जिसपे किनान उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जिसपे वो ईविल ऑरा की एंटिटी ये कहते हुए हंसने लगती है कि मैं कौन हूँ ये तुम अपने आप से पूछो क्योंकि मैं ही तुम हूँ। आगे जैसे ही वो टर्न करता है हम किनान के ही प्रतिरूप को देखते हैं। आगे किनान उससे कहता है कि मैंने पहले ही इस मॉन्यूमेंट के अंदर के स्ट्रेंज ऑरा को पहचान लिया था और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ उस ईविल सेक्ट से रिलेटेड है तो एक्सप्लेन करो कि तुम आखिर कौन हो। जिसपे वो जो एंटिटी होती है जिसने किनान का ही रूप ले रखा है वो उससे कहने लगता है कि तुमने सही पहचाना है मैं उसी ईविल सेक्ट का ही लीडर हूँ जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हुआ करता था लेकिन जब से मैं इस पेविलियन के अंदर इंटर हुआ हूँ न जाने कहाँ से ये मॉन्यूमेंट आया और इसने मेरे रिमेनिंग सोल को अपने डार्क स्टोन मॉन्यूमेंट के अंदर कैद कर लिया और तभी से ही मेरी जो बची कुची सोल है वो इसके अंदर भटक रही है और मैं तब से ही इंतजार कर रहा हूँ एक एक्सलेंट टैलेंटेड बॉडी का और इतने सालों से मैं इनके नाक के नीचे इस मॉन्यूमेंट के अंदर छुपा था ताकि सीक्रेटली सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी को पॉजेस कर सकूं और आज मेरे इतने सालों का इंतजार खत्म हो गया क्योंकि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो। जिसपे किनान यहाँ समझ जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट था वो कोई भी फ्यूचर के अचीवमेंट्स को बताने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि इसके अंदर छुपी हुई ये इविल ऑरा ही थी जो अपने लिए बॉडी को सीज करने का इंतजाम कर रही थी। जिसपे वो एंटिटी किनान से कहता है कि तुम सही कह रहे हो इस पेविलियन को गार्ड करने वाला वो जो बुढ़ा है तुम्हारे जैसे उसकी पारखी नजर नहीं हर वो मुझे आज तक पहचान नहीं पाया और अब मैं तुम्हारी बॉडी को पाने के लिए और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उस पे अचानक से झपट्टा मारता है जिसपे किनान यहाँ समझ जाता है कि ये स्पिरिट अभी काफी ज्यादा कमजोर है तो अगर अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट नहीं करना चाहिए। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डिसाइपल ये देख के दंग रह जाते हैं कि आखिर किनान यहाँ बुद्ध की तरह क्यों खड़ा है और आखिर उसके मन में क्या चल रहा है कि इस मॉन्यूमेंट में कोई भी रिएक्शन अब तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सभी किनान का मजाक उड़ाने लगते हैं ये कहते हुए कि अगर उस मॉन्यूमेंट में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो अपने आप को अब और ज्यादा एम्बेरस मत करो हम सब समझ गए हैं कि तुम एक बेकार वेस्ट मटेरियल हो तो अपने आप को यहाँ साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आगे पेविलियन के बाहर भी यही बातें चल रही होती हैं एल्डर्स के बीच जो एल्डर फांगा होता है वो यहाँ पे किनान के एल्डर को ताना देते हुए कहता है कि ये तो सबसे लोएस्ट लेवल से भी कम लेवल का है इस पेविलियन के अंदर इस जैसे डिसेबल को तो आना ही नहीं चाहिए। अब आगे पालकी के अंदर बैठी लेडी भी कहने लगती है कि लगता है कि मैंने उस किनान को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था बदकस्मती से उसका लेवल तो लोएस्ट लेवल से भी काफी लो है। अब आगे हमें वापस से उस मॉन्यूमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ किनान उस स्प्रिट के साथ फाइट कर रहा होता है
किनान थोड़ी देर के बाद उसका मुकाबला करने से यहाँ पे थक जाता है। उसकी स्पिरिट अब कमजोर होने लगी थी, जिसे वो समझ जाता है कि आखिर इस मॉन्यूमेंट के अंदर कोई ना कोई फॉर्मेशन जरूर है जो कि उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए उसे जल्द से जल्द फॉर्मेशन को ढूंढना होगा। अब उस फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर देता है, जिसपे उस एंटिटी वाली स्पिरिट को यही लगता है कि किनान ने यहाँ पे हार मान ली है और वो खुद अपनी बॉडी उसको समर्पित करना चाहता है। अब आगे वो स्पिरिट जैसे ही किनान की बॉडी को सीज करने के लिए उस पे एक अटैक करता है, किनान तो जैसे वहाँ हवा में डिसअपीयर हो जाता है और आगे वो उस फॉर्मेशन की गुत्थी सुलझा लेता है, जो कि एक 8 डोर वाली सोल लॉकिंग फॉर्मेशन होती है, जो कि उस स्पिरिट ने इन डोर्स के अंदर अपने स्पिरिट के टुकड़े को अलग अलग भागों में छिपा करके रखा था। अब आगे हमें वापस से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ठरकी बुड्ढा जो होता है वो किनान के इस तरह के बुत बन के खड़े रहने से खिंच जाता है और उसे कहने लगता है कि अगर ये मॉन्यूमेंट तुम्हारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है तो तुम अभी इस टेस्ट को छोड़ सकते हो। जैसे वो किनान को टच करके वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, किनान के अराउंड हम एक शील्ड को भरता हुआ देखते हैं और उस शील्ड के चपेट में आते ही वो बुड्ढा परे हट जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्यूमेंट ग्लो करने लगती है और ग्लो करते ही वो इम्पीरियल लाइट को इमिट करती है, लेकिन वो लाइट इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि मानो ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में अब वो फट जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो लाइट और भी ज्यादा ऊपर उठती है और लाइट ऑफ रिस्पेक्ट तक चली जाती है, जो कि सबसे हाईएस्ट रियल में मार्शल लॉ का रियल्म है। अब आगे हमें वापस से उस मॉन्यूमेंट का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन 8 दरवाजों में से किनान ने उस इंजर्ड डोर को ढूंढ लिया था और उसके ही थ्रू वो बार बार आते हुए उस स्पिरिट पे अटैक कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ मार्शल लॉर्ड के रिल्म की लाइट इमिट होने से वो जो मोटा हाउ होता है वो भड़क जाता है और किनान पे अल्जाम लगाने लगता है कि इसने कुछ चीटिंग की है, जिसपे किनान उससे जवाब देता है कि मार्शल लॉर्ड रिल्म में कोई ऐसी लेवल नहीं है जिसपे फ्रॉड किया जा सके। अब आगे किनान ने लाइट ऑफ होली पाथ को भी इमिट कर लिया होता है, जो सिर्फ एक येलो लेवल की मार्शल स्प्रिट ही कर सकती है। अब ये देख करके बाहर के लोगों में भी भौकाल मच जाता है और सबसे ज्यादा हैरान परेशान और वो पालकी वाली लेडी होती है, जो कि किनान की इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देख करके दंग रह जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किनान जो होता है वो सबके सामने ये कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि किनान उस मॉन्यूमेंट के अंदर उस स्प्रिट के जितने छक्के छुड़ा रहा होता है, इस मॉन्यूमेंट के जो लाइट्स थी और ये लाइट्स हायर लेवल तक अब जा रही होती हैं, ये इतना आगे बढ़ चुकी थी कि अब एंसेस्ट्रियल लाइट तक पहुंच जाती है और हाईएस्ट लेवल पे जाने के बावजूद भी ये लाइट्स लगातार ऊपर उठती ही जा रही थी। इसे देख करके तो नीचे के जितने डिसाइपल होते हैं सारे दंग रह जाते हैं, जिसमे किनान अब उन सभी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फ्यूचर के अचीवमेंट्स बस यहीं तक रुकेंगी? इस मॉन्यूमेंट में वो लेवल ही दर्ज नहीं है जो ये बता सके कि मैं फ्यूचर में और कितने आगे तक जाऊंगा। वो अब इस कदर हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका होता है कि एम्परर लेवल के ऊपर जाते हुए वो अब गॉड ऑफ वॉर के लेवल तक पहुंच जाता है। इधर दूसरी तरफ किनान उस मॉन्यूमेंट के अंदर उस स्प्रिट को पूरी तरह से मात दे देता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ कि अपने फ्यूचर में मैं किस लेवल तक जाऊंगा। मेरी जर्नी उस समय तक कंटिन्यू रहेगी और उसके आगे भी बढ़ती ही जाएगी जब तक मैं पीक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। अब आगे उस मॉन्यूमेंट से इतनी ज्यादा लाइट इमिट होती है कि वहाँ का मौसम बदल जाता है। आगे किनान सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा और कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। आगे वो सबको सच्चाई बताता है कि ये जो मॉन्यूमेंट था वो सिर्फ एक डिमोनिक स्टोन था, जो कि बस इतने सालों से लोगों को धोखा दे रहा था। किसी का फ्यूचर क्या होने वाला है ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बस उसका फ्यूचर इस पर निर्भर करता है कि उसके सामने कौन सी पॉसिबिलिटीज आती हैं और कौन सी वो राह चूज करता है। मींस कि सभी की किस्मत बस उनके हाथों में ही होती है, जैसे ही वो राह चुनेंगे वैसे अंजाम तक पहुँचेंगे। और अगर मेरी किस्मत हेवन डिसाइड करती है तो मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक मौत मुझे इस शरीर से अलग ना कर दे। ऐसा कहते ही वो चुटकी बजाता है और उस मॉन्यूमेंट के पर खच्चे उड़ जाते हैं। अब ये देख करके जो पेविलियन के बाहर एल्डर्स होते हैं उनमें किनान का एल्डर कहता है कि अब ये हुई ना ज़ोलिंग सेट के जीनियस डिसाइपल की बात। आगे वो सभी से कहते हैं कि तुम सभी एल्डर्स को यहाँ सैड होने की जरूरत नहीं है, हुआंग हो चाहे हुआ हो सभी को उस पेविलियन में कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स जरूर मिलेंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा। इधर दूसरी तरफ पालकी के अंदर बैठी जो लेडी होती है वो भी बस किनान के बारे में ही सोचने लगती है और अफसोस करने लगती है कि काश वो भी मेरी तरह एक शानदार अलायंस का ही एक मेंबर होता तो शायद मैं उसे अपना बना लेती। और उसकी इसी रिग्रेट के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए,
जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड्स और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हमने